हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 11X फ़ोन है, तो रियलमी 11X फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन प्रॉब्लम है, तो पावर बटन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने रियलमी फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स का यूज़ करके। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि पावर बटन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर हमारे फ़ोन में पावर बटन प्रॉब्लम है, तो पावर बटन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं आ रहा इस तरीके से, फिर सिंपली आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी पर। तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पर जाकर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इसमें एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का। जब आप एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो मेन्यू पर जाकर आप शॉर्टकट्स आइकन का ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, और जो फ़ोन को आप ऑटो रिस्टार्ट या पावर ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ऑन कर लिया, ऑन करते इसके जो शॉर्टकट आइकन है यहाँ पर शो हो रहा है ग्रीन ऑप्शंस के ऑप्शन से, इस पर टैप करते कुछ आइकन से शो हो जाएंगे इस तरीके से, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन को पावर ऑफ ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फ़ोन को रिस्टार्ट करना चाहें तो इसके ज़रिए आप कर पाएंगे, पावर ऑफ करना चाहें तो इस पर टैप कर देना है स्क्रीन शॉट के लिए इस पर, और इमरजेंसी कॉल के लिए इस पर क्लिक कर देंगे तो इमरजेंसी कॉल भी आपके फ़ोन में लग जाएगी। तो इस तरीके से आप पावर बटन की जो ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं और साथ में इसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।